हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग है, सीधे पॉइंट पे आते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। आज आश्विक का मंथली फोटोशूट होगा बिकॉज चलो अभी अगर इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई दी है तो मैं आपको बताती हूँ कि हम सबके ही निकनेम्स हैं, जैसे कि होते हैं। तो मेरा तो रिवील हो चुका है, था अभी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। ओके, जस्ट लीव। अभी मैं इस क्लिप को कट करना चाहती थी, कर देती हूँ। हेलो हेलो गाइस। तो हाँ जी, आशिक का आज है फोटोशूट, मतलब फोटोशूट उसका हो चुका है मंथली फोटोशूट दिन में, इट्स इवनिंग। और अभी उसकी होगी केक कटिंग। तो चलो अभी सब बच्चों को मैं सबसे पहले इनवाइट करती हूँ, उनके घर पे कॉल्स करती हूँ। दो बच्चे तो यहाँ पे आ गए और फिर हम करते हैं केक कटिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, क्योंकि सावन के मंथ को लेके है, तो हमारे पास है बिलपत्ती, रेड फ्लावर्स और आदि योगी जी, एंड हमने साथ में वाइट कपड़ा रखा है जो इसको मैं अभी बेडशीट के ऊपर बिछाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने वाइट कपड़ा बिछा दिया है जो कि 5 मीटर है। ऑनेस्टली बेसिकली ये पापा के कुर्ते पजामे को सिलवाने के लिए था, बट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो ब्लैक कपड़ा स्पेशली ख़रीदा था वो आशु के घर पे रह गया, तो अभी इसके साथ काम चलाते हैं, विच इज़ फाइन। तो रेड फ्लावर्स मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, तो हम बिलपत्ति के ऊपर ये वाइट फ्लावर्स रख देंगे। तो पहले मैं इनको तोड़ती हूँ। और आशु जब से उठाई मुझे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इसके मामू के पास दे दिया था मैंने इसको। तो अभी बिजी है ये खेलने में, उसके बाद इसके कपड़े चेंज करवाती हूँ। डेकोरेशन के लिए थोड़ी बिलपत्री कम पड़ गई है, तो भाई उसको लेने गया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। तो प्यारे दोस्तों, डेकोरेशन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स को ही तोड़ के उनसे आर्ट लिख दिया है, क्योंकि अभी मान लो मैं दाल चावल के साथ चलना नहीं था क्योंकि बेस वाइट है, पर दाल के साथ लिखती तो वो थोड़ा मैच नहीं करता कि यहाँ पे फ्लावर्स की डेकोरेशन है और उस तरफ कुछ अलग। तो मैंने अपना दिमाग लगाया जो मुझे तो ठीक ही लग रहा है, और यहाँ पे बिलपत्री पे मैंने वाइट फ्लावर्स रख दिए हैं और बाकी सिंपल सी डेकोरेशन की है। और आशविक को टोकरी में बिठाना है, क्योंकि अगर बाय द वे उसको ऐसे नीचे ही बिठाते हैं तो वो ख़राब करेगा। आई नो, आई एम वेरी श्योर करेगा तो वो अभी भी, बट आई विल ट्राई कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ। और यहाँ पे मैंने ऐसे भगवान जी को रख दिया है। अभी आशविक को करती हूँ रेडी। आशविक हो गया है रेडी और सुसु कर दिया आशविक ने। आशविक कैसी लगी आपको डेकोरेशन? आशविक खराब करने की तैयारी में है। बिठाओ भैया जी टोकरी में। हाँ जी, टोकरी में। इस तरफ को मुंह करना आगे को। आशविक अभी मामू शुरू हो जाएगा। मामू इसको स्माइल करवाओ अब आप। आशविक आशविक इधर देखो। आशविक स्माइल नहीं कर रहा है। आशविक स्माइल। आशविक ने आज ठान ली है कि स्माइल नहीं करनी है, भोले बाबा जी को मनाना है बस। आशविक स्माइल करो। आशविक आशविक मेरा कन्हैया और कन्हैया जी एक बार भी नहीं स्माइल कर रहे हैं। आशविक हुआ क्या है? बोल दिया सब शक्तियाँ, बोल दिया। आशविक क्यों कर रहा है तू ऐसे? फाइनली आशविक जी हंस रहे हैं गणपति जी के साथ। नानी जी बोल रहे हैं कि एक विद कैप खींचनी है। क्या बना? कैप को फोल्ड करो थोड़ा नानी जी। ओ आशविक, हाय हाय क्या बात है। अभी थोड़ी पीछे करो, जेंटलमैन आशविक बन गया जेंटलमैन। आशविक अभी तक देखो। आशविक गनू, आशविक गनू आया, गनू नानी। अब नानी जी बोल रही है कि अब एक पैरेट के साथ भी क्लिक करो। आशविक फोटोशूट खत्म और टोपी भी साइड। लो आशविक, लो लो अब ऐसे करो। हाय हाय क्या बात है। ओके, फोटोशूट हुआ, डन। थैंक यू आशविक जी। मामा जी उठाइए इनको। तो अभी फोटोशूट हो गया है और आशविक से हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा उसने हमें कॉपरेट किया है, क्योंकि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उस पर ना हम गुस्सा कर सकते हैं ना उसको कुछ समझा सकते हैं ऐसा वैसा। तो अभी का फोटोशूट हो गया, मैं इसको क्लोज करती हूँ और मिलते हैं आपसे शाम। अभी ये फूल मैंने कुछ मंदिर में रख दिए हैं और बाकी मैं सामने तुलसी जी के पास चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी हम भोले बाबा के शिवलिंग रखते हैं। लेट्स डू डू दैट।
यहाँ पे मैंने सारे फूल रख दिए हैं। घर पे 4 बजे से केक आया और अभी 6:30 हो गया है, बट हम केक नहीं काट सकते क्योंकि आधे मेंबर घर पर नहीं है, मीन्स की बच्चे एक्चुअली मंदिर गए हैं, तो हमें उनका वेट करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर नहीं हुआ प्रेजेंट तो बच्चों के मन में थोड़ा ऐसा रह जाता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सबका वेट कर लेती हूँ फिर हम केक काटते हैं। तो अभी केक आ गया, मैं इसको ओपन करके आप सबको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये ऐसा है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी इसके 1 साल होने में 4 मंथ्स बाकी हैं, दैट्स व्हाई दिस इज लाइक दिस। स्टार भी है ना इसमें। यस, अच्छा है। आशविक के कटोन चल लिया, विवान दे रहे स्टाइल। इधर से आने का मैं खड़ी होती हूँ। चलो अनवे, क्या है आज अनवे, किस चीज का केक कट रहा है? आशविक का 8 मंथ का हो गया है। कितने मंथ्स का? 8। ओके, वेरी गुड। अच्छा चलो स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो चुकी हैं जो कि बहुत अच्छी रही, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया, और मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।